हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर 11, 11.1 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है बेटा, आपने जो एंगल बनाना है 30 डिग्री का एंगल बनाना है। अब आपको 90 और आपको 45 डिग्री का बनाना है, ठीक है। 90 डिग्री का अब देखो बनाना आ गया आपको, हमें 30 डिग्री। अगर हम 60 डिग्री का बना लें, 60 डिग्री का हाफ कितना होता है, हमारा एंगल ड्रॉ हो जाएगा। फर्स्ट आप क्या लोगे, सिंपल बेटा कोई कोई लाइन ड्रॉ करोगे, फिर आप क्या करोगे अपनी चॉइस से, कितना मर्जी कंपास खोल के, ना ज्यादा और ना ही कम, आप एक आर्क लोगे जो कि आपका क्या बनेगा, रेडियस। फिर आप उस आर्क को क्या करोगे बेटा, जितना आपने कंपास खोला है उसको बंद नहीं करोगे, उतना ही ओपन रखोगे। आप एक चाप लगाओगे, चाप मीन्स एक आर्क लगाओगे, ठीक है। जो फर्स्ट आर्क है ना, आपकी माइंड में रखना, जो आप जितना आपने इससे ये आर्क बनाई है वो उतना ही कंपास खोल के आपने यहाँ रखना है एल पॉइंट पे, और यहाँ पे कट लगाना। जो आपका पहला कट है वो हमेशा आपका, अगर ओ एन को ज्वाइन कर देते हो तो वो एंगल किस चीज का बनेगा, वो एंगल आपका 60 डिग्री का बनेगा, हमेशा याद रखना बेटा ये बात। अगर 60 डिग्री का बन गया वो एंगल आपका, ये 60, आपने क्या करना है, इसके सेंटर से ज्यादा कंपास खोल के आपने क्या लगाने हैं, एक एल पॉइंट पे रखना है वन टाइम, उसके बाद एम पे रखना है, ठीक है। वापस में कट कर देंगे उसको, नाम क्या दे देना, पी, उसी में से एक जाते हुए आपने लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो एंगल आपका क्या बन गया, 30 डिग्री। अब आपको 90 और 60 डिग्री के एंगल्स बनाने आ गए हैं बेटा, इसके थ्रू आप कोई भी एंगल बना सकते हो। जैसे अब हमने बनाना है 22, 1/2 का हाफ बनाना है। ये किसका हाफ होता है, इसको डबल कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 45, ठीक है। 45 किसका हाफ होता है, 90 का। अगर हम 90 का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे करा था, 90 का हाफ कर दो, 45 आपको इजीली आता है, फिर 45 का हाफ कर दो, क्या बन जाएगा आपके पास, 25, हाफ का एंगल आपके पास ड्रॉ हो जाएगा। ऐसे बेटा आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, 75 का करना है, ठीक है। हम दो एंगल्स के थ्रू कोई भी एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं। 75 है, पहले आप कौन सा एंगल बनाओगे, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, ठीक है। आपको बताया था जो फर्स्ट आर्क लगाओगे उससे एंगल कौन सा बनेगा, 60 का बनेगा। ये वाला एंगल है जो आपका पूरा का पूरा 90 डिग्री का है, जो फर्स्ट आर्क पे एंगल कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री। तो जो ये वाला एंगल है इतना, वो कितना रह गया अपने पास, 30 डिग्री। 60 और 30 को हम ज्वाइन कर देते तो क्या बन जाते हैं, 90 डिग्री। पर हमने क्या बनाना है, 75 डिग्री। अगर हम 30 का हाफ कर दें क्या आएगा, 15। 60 और 15 को हम ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, 75। हम 30 का फिर से हाफ कर देंगे, वैसे हम कंपास खोलेंगे आपस में कट हो गया, तो इन दोनों से क्या बन गया इतना, 75 डिग्री। देखो वही हमारा 90-60 डिग्री का एंगल्स घूम रहा है। ऐसे आप जीरो क्या करोगे, 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम, वही हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया, देखो जो फर्स्ट आके कितने का एंगल बनाती है, 60 का। यहीं पे सेम डिस्टेंस पे यहाँ आंख लगाएंगे वो कितने का बना देगी, 120 का। 60 एंड 120, हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया, 60 का हम हाफ कर देते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास, 60 का हम हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30। 30 का फिर हाफ कर दो क्या आ जाएगा, 15। 90 प्लस 15 कितना हो गया, 105। इसी टाइप से ही आपने सारे एंगल्स ड्रॉ करने हैं। आपके पास एक और लास्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई कंस्ट्रक्शन। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और ठीक है
और एंगल्स कितने का बनता है आपका, 60 डिग्री का एंगल बनता है। उसके लिए क्या करोगे बेटा, आप कोई भी लाइन ले लोगे, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इट्स योर चॉइस। फिर आपने क्या करना है, बी और सी जितनी लाइन है उतना आपने कंपस खोल लेना है। बी पॉइंट पे रखोगे, यहाँ एक आर्क लगाओगे, फिर सी पॉइंट पे रखोगे, एक आर्क लगाओगे, उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, तो आपकी ये क्या होगी, इक्वेटर ट्राइंगल।